वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा नेचुरोपैथी के ऊपर। नेचुरोपैथी क्या है, आपके तमाम तरह के क्वेश्चन आए। नेचुरोपैथी का कोर्स के बारे में जानकारी और इस तरह के कई जानकारी, जिसमें से मैंने 7 क्वेश्चन आज मैंने उठाया है। और ये 7 क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा नेचुरोपैथी क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। नेचुरोपैथी का भविष्य कैसा है, क्या इसमें एक करियर बनाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। क्या नेचुरोपैथी से डॉक्टर बन सकते हैं, क्या हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, क्या हम अपना दवाखाना खोल सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, क्या इस कोर्स को करने में कितना वक्त लगता है, कितना पैसा लगेगा, कहाँ से करें, नेचुरोपैथी कोर्स किस तरीके का कोर्स है, कहाँ से करना चाहिए, नेचुरोपैथी कोर्स सरकार के द्वारा वैलिड है या नहीं है, क्या हम अंग्रेजी दवाइयां लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्या नेचुरोपैथी कोर्स करने के बाद हम अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नेचुरोपैथी करने में कितना वक्त लगता है, ये तमाम तरह के क्वेश्चन थे। इनमें से हमने 7 प्रश्न आज आपके साथ शेयर किया। 7 प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा और जिससे आपके हर एक क्वेश्चन का, इन 7 प्रश्नों में आपके उन तमाम सैकड़ों क्वेश्चन का जवाब छुपा हुआ है जो आपने अलग अलग तरीकों से पूछा है। तो डियर स्टूडेंट, नेचुरोपैथी आज पूरी दुनिया में एक जो है लोकप्रियता का कारण बन रही है। नेचुरोपैथी आज की जो स्थिति बनी है, नेचुरोपैथी जिसे हम हिंदी में प्राकृतिक चिकित्सा भी कहते हैं, यह इलाज में बहुत ज्यादा प्रभावी है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिन पर अंग्रेजी दवाओं का प्रभाव धीरे धीरे असर उसका खत्म होता जाता है, क्योंकि अंग्रेजी जो दवाइयों का जो पैटर्न है, वह पैटर्न कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को जा करके वह कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। अब उस दौरान में अब मनुष्य के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, इसलिए वह नेचुरोपैथी के तरफ भागता है। आपने तमाम तरह की बातों को सुना होगा, जैसे एलोपैथ है, एलोपैथ अर्थात अंग्रेजी दवाइयां, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा, यानी प्रकृति में वह तमाम औषधियां उपलब्ध हैं, उन औषधियों से आप अपनी बीमारी का इलाज करते हैं, या ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे एक्सपर्ट जो ऐसे असाध्य रोग हैं जिन्हें हमेशा के लिए समाप्त किया है। कैंसर पर प्राकृतिक चिकित्सा का इतना ज्यादा प्रभाव है जितना कि आपकी अंग्रेजी दवाओं का नहीं है, या तमाम तरह की जो मॉडर्न साइंस है उन पर प्रभाव जो है कहीं ना कहीं संदेहास्पद जरूर बना रहता है। लेकिन यदि यही चीज अगर हम नेचुरोपैथी में देखें, तो नेचुरोपैथी का जो तरीका है, नेचुरोपैथी में जो वह मेरिट्स हैं, जो गुण हैं, वह इतना प्रभावशाली है कि वह हमेशा हमेशा के लिए रोग को समाप्त कर सकता है, यानी कहा जा सकता है कि यह इलाज में बहुत अधिक प्रभावी है। नेचुरोपैथी को के लिए एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसे अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, यानी एक ऐसा मेडिसिन जो एक विकल्प के रूप में आज हमारी प्रकृति में उपलब्ध है, पूरी दुनिया में उपलब्ध है, और पूरी दुनिया इसके गुण को मान रही है, इसके प्रभाव को मान रही है और इसे अपनाती जा रही है। बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जिसमें लोगों ने अपना क्या किया, छोड़ दिया, आशा छोड़ दिया कि अब ये ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन नेचुरोपैथी ने वह कर दिखाया, वह चमत्कार कर दिखाया जिसे कभी भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो नेचुरोपैथी का के बारे में जितना भी कहा जाए वो कहीं ना कहीं कम होगा। दूसरी बात, जिस तरह से नेचुरोपैथी का प्रादुर्भाव हुआ और ये वर्तमान समय में लोगों ने अपनाना शुरू किया, तो इसमें रोजगार के साधन भी आपके बहुत अच्छे बन गए। ये नेचुरोपैथी एक आज का नहीं है, अगर मैं बात करूं कि नेचुरोपैथी क्या आज के समय का है, नहीं, नेचुरोपैथी उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य की उत्पत्ति पुराना है, मनुजीव की उत्पत्ति पुराना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत वर्ष में कभी कोई डॉक्टर नहीं हुआ करता था, और अगर कोई डॉक्टर हुआ करता था तो वह श्रीलंका में हुआ करता था, जिसका नाम था सुसेन बैद। यानी भारत में कोई बीमारी ही नहीं थी, वजह क्या था, लोगों को प्राकृतिक औषधियों के बारे में जानकारी था, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी था, और इसके वजह से वह हमेशा स्वस्थ रहते थे, बीमारियां उनके पास नहीं फटकती थी। तो नेचुरोपैथी की ये जनरल चीजें हैं जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगला क्वेश्चन आपने किया था कि नेचुरोपैथी का भविष्य कैसा है,
तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि नेचुरोपैथी का भविष्य आज के समय में बहुत अधिक है। यह मेडिकल साइंस भी इस चीज को मान चुका है। मेडिकल साइंस ने यह माना है कि नेचुरोपैथी का जो गुण है अपने आप में बेमिसाल है, निराला है और इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। यह ना तो नुकसान करता है, ना तो कोई साइड इफेक्ट करता है, और दूसरी सबसे जो आश्चर्यजनक बात है, वह बीमारियों पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ता है। आज बीमारियों पर रिसर्च करने के लिए आप देखिए, बायोकेमिस्ट्री की बात हो रही है, प्राकृतिक चिकित्सा की बात हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं आपको दूं, प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर ही आप भारत में बाबा रामदेव ने जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया है और जिस तरीके से लोगों की इलाज को ठीक करने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई है, तो अपने आप में वह नेचुरोपैथी का एक ज्वलंत उदाहरण देता है, ज्वलंत प्रमाण देता है। बीमारियों को किस तरह से जड़ से खत्म किया जाए, ये सिर्फ क्षमता है केवल नेचुरोपैथी में। अलग अलग हमारी विधाएं हैं, जैसे होम्योपैथ की बात कर लेते हैं, यूनानी पद्धति की बात कर लेते हैं, मेडिकल अंग्रेजी दवाओं की पद्धति यानी एलोपैथ की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आपका जो एक्यूपंक्चर है, हीलिंग्स है, ये तमाम तरह की ऐसी विधियां हैं जिससे इलाज में बहुत ज्यादा सहूलियत मिलती है, आश्चर्यजनक परिणाम मिलता है। लेकिन नेचुरोपैथी की अगर हम तुलना करें, एलोपैथ से तुलना करें, नेचुरोपैथी की तुलना होम्योपैथ से करें, यानी तमाम विधाओं से करें, तो हम ये पाते हैं कि नेचुरोपैथी एलोपैथ में भी उपलब्ध है, होम्योपैथ में भी उपलब्ध है, यह एलोपैथ में हर जगह उपलब्ध है। यानी हम प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति की जो औषधियां हैं उसी का जो स्वरूप है, किसी न किसी रूप में हमें मेडिकल साइंस के रूप में यानी एलोपैथ के रूप में मिलता है, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं होम्योपैथ के रूप में मिलता है। पूरी दुनिया में आज नेचुरोपैथी का डंका बज रहा है और यह बेहतर इलाज का विकल्प सिद्ध हो रहा है। तो करियर की मैं बात करूं, बेहतर करियर है, इसमें आप करियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ कोर्सों को करना होगा, कुछ पढ़ाई करनी होगी, और पढ़ाई करने के साथ साथ आपको डॉक्टर लिखने का भी अधिकार प्राप्त होगा। आप इलाज भी कर सकते हैं, अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, अपना दवाखाना भी खोल सकते हैं, ये तमाम सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि कोर्स व पढ़ाई ये कितने दिनों का होता है, कैसे करना चाहिए। आज देखिए, लगभग जो मैं जनरल एक बात करूं तो ये एक वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, दो वर्ष का पाठ्यक्रम होता है, कहीं कहीं तीन वर्ष और पांच वर्ष का पाठ्यक्रम भी पाया जाता है। लेकिन जो भारत में सबसे अधिक प्रचलित है वह कोर्स आपका है एक वर्षीय पाठ्यक्रम, दो वर्षीय पाठ्यक्रम है, जिसमें आप प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में आप जानकारी लेते हैं। अब नेचुरो, इसमें पढ़ाई क्या होता है, इसमें आपको जानकारी क्या करनी होती है, क्या सीखना होता है, दो बातों का बहुत खास ख्याल रखा जाता है। पहला, एक तो मनुष्य की जो क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, यानी आपको पढ़ना होता है बॉडी ऑफ एनाटॉमी, आपको पढ़ना होता है आयुर्वेद के बारे में, आपको पढ़ना होता है प्रकृति के बारे में, और आपको पढ़ना होगा आयुर्वेद वर्सेज प्रकृति और आपका मनुष्य किस तरह से मनुष्य रिएक्ट करता है इन बीमारियों के साथ, वो तमाम बातें आपको बताई जाती हैं। और एक वर्षीय पाठ्यक्रम जो डिप्लोमा होता है, दो वर्षीय पाठ्यक्रम जो होता है, ये एक तरह की डिग्री कोर्स होती है। दोनों ही पाठ्यक्रम कोर्स कंप्लीट करने के बाद, इसकी पढ़ाई करने के बाद, आप प्राकृतिक चिकित्सा में यानी नेचुरोपैथी का डिस्पेंसरी भी खोल सकते हैं, इलाज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने भी इस बात के लिए आदेश जारी कर दिए हैं कि आप इसेंशियल जो दवाइयां हैं वह अंग्रेजी दवाओं का भी प्रयोग कर सकता है एक प्राकृतिक चिकित्सक। अब मैं बात करता हूं कोर्स आपको कहां से करना चाहिए, कोर्स आपको कहां से करना चाहिए, कैसे करना है, इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। बहुत सीधी सी बात है, कोर्स करने के लिए आप SST इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ऑनलाइन कोर्स की व्यवस्था है, ऑफलाइन कोर्स की व्यवस्था है, और एक से दो साल का वक्त लगेगा। बीमारी की पहचान व इलाज की संपूर्ण जानकारी एक वर्कशॉप के थ्रू, एक OPD के थ्रू, यानी कैसे हम बीमारियों को डायग्नोसिस करें, ये तमाम पढ़ाइयाँ आपको हिंदी में मिलेंगी। हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे, आप पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जान पाएंगे, आप बीमारियों के लक्षण को पहचान पाएंगे, आप कैसे इलाज किया जाएगा इसके बारे में जान पाएंगे, कौन सी औषधि किस बीमारी पर कार्य करेगी, ये तमाम बातें आप जान सकते हैं। इस कोर्स को करने में आपके बहुत अधिक पैसे खर्च नहीं होते हैं। इस कोर्स को करने में मैं आपसे लगभग एक आइडिया बता दूं,
कि बहुत कम पैसे आते हैं। जहां लाखों लाखों की बात आती है वहां पर इस कोर्स में लाखों रुपए खर्च तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ लाखों रुपए से लाख रुपए से कम खर्चे जरूर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप भी करियर अपना करियर नेचुरोपैथी में बनाना चाहते हैं, आप नेचुरोपैथी का कोर्स, जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं नेचुरोपैथी का, आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, डिग्री कोर्स कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन का BMS कोर्स कर सकते हैं, आप डायटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, वेट लॉस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशन का कोर्स कर सकते हैं। ये तमाम कोर्स करने के बाद अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नई उड़ान दे सकते हैं। आप एक अच्छी, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो हॉस्पिटल में आप काम भी कर सकते हैं, अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं और खुद का दवाखाना भी खोल सकते हैं।